हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का अचार। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी और ये झटपट बनके तैयार भी हो जाता है। इस अचार को आप बिना धूप दिखाए भी बना के तैयार कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चलिए बनाने के लिए, देखिए मैं दो आम ले ली हूँ, इसको धो के सुखा ली हूँ। अब हम इसको सबसे पहले छील लेंगे। आपको जितना बनाना आप अपने अनुसार आम ले सकते हैं। फिर छीलने के लिए पहले ऊपर वाला डंठल काट के निकाल लेंगे और इस तरह से देखिए छील के तैयार कर लेंगे हम आम को। छील के उसके बाद हम इसको काट लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी बना सकते हो। देखिए इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे पतला पतला। आप लोग भी ज़रूर से बनाना एक बार मेरे तरीके से। और 8-10 कली लहसुन है, इसको मैं क्रश कर ली हूँ। 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी क्रश कर। अब हम अचार बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। इसको भुनने के लिए देखिए मैं तवा रख दी हूँ, गर्म हो गया है। ये 25 ग्राम है मसाला। आप जितना बना रहे हैं आप उसके अनुसार मसाला ले सकते हो। उसमें सारा मिक्स है, जीरा है, सौंफ, मेथी, मंगरेल है, जितना पंचफोरन में जितना मसाला मिक्स रहता है सारा है इसमें। अब हम इसको लो फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। और 4 में सूखी मिर्ची ली हूँ, आप अपने अनुसार मिर्ची ले सकते हो, जितना तीखा खाना पसंद है। अब हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे। बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। देखिए मैं पीस ली। अब हम अचार बनाने के लिए सबसे पहले तेल को गर्म कर लेंगे। मैं 1/4 कप तेल ली हूँ। इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है जब तक कि तेल में से धुआं ना निकलने लगे। देखिए धुआं निकलने लगा है तेल में से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें लहसुन अदरक को मिला देंगे कि अच्छे से तेल गर्म है इसलिए सब पक जाएगा। अब हम इसमें मसाले मिला देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है अचार। आप लोग भी एक बार ज़रूर से मेरे तरीके से बनाना। आप लोग का कैसा बना कमेंट में ज़रूर से बताना। अब हम कटे हुए आम को इसमें मिला लेंगे मसाले में। देखिए इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे और बहुत झटपट बन के तैयार भी हो जाता है ये अचार। अब हम इसमें मसाला मिला लेंगे, जो पंचफोरन वाला मसाला था उसको जो पीस के तैयार की हूँ, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। मिला के हम इसको ढक के रख देंगे 2 से 3 घंटा। सब अच्छे से ऐसे सेट हो जाएगा नमक मिर्ची आम में। देखिए अच्छे से सेट हो गया है अचार और ठंडा भी हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम टेस्टी बन के तैयार हुआ है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, 1 साल तक ये चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ। अब हम एक जार में रख देंगे इसको। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसको जार में रख के हम डाइनिंग टेबल पर रख देंगे, ये खाने के स्वाद को और भी बढ़ा देगा। आप लोग भी ज़रूर से बनाना एक बार मेरे तरीके से। थैंक यू।